Welcome to Sahil SH, Tenali Rama, Episode 4. Hey, कौन हो तुम जो राज दरबार में घुसने की हिम्मत कर रहे हो? जी मैं राजगुरु जी राजगुरु हमें उल्लू बनाना चाहते हो क्या? तुम झूठ बोल रहे हो, राजगुरु तुम्हें जानते भी नहीं है। जी ये तो दुर्भाग्य है मेरा, मैंने तो सोचा था कि महाराज को अपने कर्तव्य दिखाकर जो भी इनाम मुझे मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे है? है? पर आप लोग अंदर जाने नहीं देते, यदि आप लोग नहीं चाहते तो इसमें आपकी हानि है मुझे क्या? ये क्या कह रहा था, इनाम बांट कर खाने की बात? ऐसे कुछ कह रहा था। इधर इधर है। जी क्या बोला था? मैं कह रहा था कि जो भी इनाम मुझे राजा से मिलेगा उसे मिलकर आपस में बांट लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। लेकिन सुनो, तुम्हें जो भी अंदर मिले उसमें से आधा मुझे देना पड़ेगा, याद है? जी, मैं फिर वचन देता हूँ। इनाम बांट कर क्या तुम अकेले खाओगे और मैं मिट्टी खाऊंगा? अरे अरे भाई झगड़ा क्यों करते हो, मुझे राजा से जो भी इनाम मिलेगा मैं आधा तुम दोनों को दे दूंगा, तुम आपस में बांट लेना। आप अंदर जाइए श्रीमान जी, ये आदमी तो लालची है, जाइए अंदर। जाइए जाइए जी जी जाइए, याद रखिएगा जी जी याद है। ए तुम इधर क्या कर रहे हो, अपनी जगह पर जाकर पहरा दो, जाओ जाओ। द्वार खोलो जी। साक्षात यमराज, साक्षात धर्मराज, आप तो साक्षात महाराज अधिराज हैं, शत्रु जी वीर पुरुष हैं। महाराज मेरा जीवन धन्य हो गया जो आज आपके दर्शन हुए। धन्य है, धन्य। अरे भाई क्या कहते हो, मैं राजा नहीं हूँ, मैं राजा का दरबार हूँ। उठो उठो खड़ा हो जाओ, उठो उठो। क्या है? मैं तो दरबार के रेश में, पर आपका व्यक्तित्व, आपका चेहरा मोहरा, आपकी बातचीत और आप तो बिल्कुल राजा जैसे दिखते हैं। आप में जरूर किसी राजवंश का खून है। क्या कहा, हम किसी राजा के नाजायज औलाद हैं? नहीं नहीं नहीं, शिव शिव शिव, ऐसे ही तो होता है अर्थ का अनर्थ। मेरे कहने का मतलब था कि आपके पूर्वज अवश्य राजा रहे होंगे। पिछली चार पुश्तों से हम राज दरबार नहीं है, समझे? जी समझ गया, पूरी तरह से समझ गया। चूंकि आप राजा के चार पुश्तों से कर्तव्य निष्ठ रहे हैं इसीलिए आपके चेहरे पर इतनी निष्ठा, इतना तेज, और आप कितने सजग भी हैं अपना कर्तव्य निभाने में। इसीलिए पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं, अंदर क्यों आए हैं और किसकी आज्ञा से अंदर जा रहे हैं, बोलो। आपने तो एक साथ तीन प्रश्न पूछ लिए। एक मैं रामकृष्ण हूं, तेनाली से आया हूं। दूसरे मैं महाराज को अपने कर्तव्य दिखाकर उनसे इनाम पाने की आशा में अंदर जा रहा हूं। तीसरे वो जो पहली द्वारपाल है ना, उस द्वार के उन्होंने मुझे अंदर जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन उन्होंने तुम्हें आज्ञा कैसे दी, वो कौन होते तुम्हें आज्ञा देने वाले? जी ये तो पता नहीं, पर मैंने उन्हें वचन दिया है कि अपने इनाम में से आधा उन्हें दे दूंगा। इनाम जी? अच्छा तो ये बात है। नहीं मैम, आपको भी कुछ दे दूंगा। कुछ क्या होता है, जो भी मिले उसमें से आधा मुझे मिलना चाहिए, मंजूर? मंजूर। जाओ। जी जी
इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? जी, समझ गया। महाप्रभु, मंत्रीगण, विद्वान मंडल, मांडलिकगण, पूर्वासी तथा उपस्थित जनों, आज हमारे दरबार के मुख्य अतिथि हैं यक्षिणी सिद्ध पुरुष श्री कालीचरण। आज दरबार में सभी के समक्ष श्री कालीचरण अपनी विद्या के कुछ चमत्कार दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज्ञा है महाराज। महाराज और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, मैं माँ काली के चरणों का दास कालीचरण हूँ। मैं लड़की को लकड़ी बना सकता हूँ और लकड़ी को लड़की बना सकता हूँ, धोती को रुमाल बना सकता हूँ, जो यहाँ है उसे वहाँ भेज सकता हूँ और जो वहाँ है उसे यहाँ पर ला सकता हूँ। यही नहीं, जो धरती पर है उन्हें हवा में तैरा सकता हूँ। इस सारे समूह को मैं गायब कर सकता हूँ और जो गायब हुए हैं उन्हें वापस ला सकता हूँ। आस पास में सभी प्रांतों में हमारे नाम का डंका बजता है। आज तक यक्षिणी का इतना बड़ा विद्वान पैदा नहीं हुआ है और न होगा। तालियां। महाराज, ये पहला प्रयोग। सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी तरफ से आपके लिए कुछ भेंट। बहुत सुंदर। अब महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपकी दासी पर हवा में तैराने का प्रयोग दिखाऊं। हाँ हाँ, अवश्य। घबराओ नहीं, बहुत जल्दी तुम अपनी जगह वापस पहुंच जाओगी। मेरी आंखों में देखो, देखो। महाराज, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो सारा दरबार सोच रहा है? चलिए आपकी शंका भी दूर कर देते हैं। महाराज, अब मेरा अगला प्रयोग ये होगा कि मैं यहाँ से खड़े खड़े गायब हो जाऊंगा और वहाँ से आऊंगा। लेकिन उस्ताद, इस लड़की का क्या होगा? ओह, ये तो मैं भूल ही गया। अब इस दरबार का सबसे लंबा आदमी है भाई। मैं? महाराज, आओ आओ, अब इसे हम आपके दरबार का सबसे छोटा आदमी बनाकर दिखाएंगे। आओ अंदर आओ, आ जाओ। हाँ, ऐसे। अब इसके अंदर बैठो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा।
मेरा क्या होगा, घबराओ नहीं, ठीक कर देंगे। बीवी पहचानेगी नहीं। महाराज अब मेरा अगला खेल देखिए, मैं यहां से गायब हो जाऊंगा और वहां से बाहर आऊंगा। सामना करना चाहे तो यहां आकर अपना प्रयोग दिखाए, मैं उसका स्वागत करूंगा। महाराज महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन महाशय से अपना स्वागत कराने के लिए तैयार हूं। आप हैं कौन? मैं रामकृष्ण हूं, तेनाली से आया हूं महाराज। ए, तुम तेनाली से हो या मनाली से, यह बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो? महाराज जो प्रयोग मैं बंद आंखों से करूंगा वही प्रयोग ये महानुभाव खुली आंखों से करके दिखा दें। शांत रहिए। महाराज जो प्रयोग तुम अपनी आंखें बंद करके करो मैं अपनी आंखें खुली रखे दिखाऊं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, यूं करके दिखाऊंगा। महाराज मुझे एक क्षण की अनुमति दें। क्या इसमें है कुछ? आप चिंतित क्यों हैं? आप तो बड़े गुणी हैं और मेरी शर्त याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है। तो हाँ तो महाराज और सभाजनों मेरी शर्त यह है कि जो कर्तव्य मैं बंद आंखों से करूंगा वही कर्तव्य ये महानुभाव खुली आंखों से करके दिखाएं। स्वीकार है? हाँ हाँ स्वीकार है। तब आप खुली आंखें रखे करके दिखलाइए। अरे आइए ना, आपकी बारी है। हाँ हाँ कहाँ जा रहे हैं? चलो। क्या हुआ? अरे सुनिए महाशय। अरे कहाँ जल्दी है, कहाँ जल्दी है, मुझे मेरी लंबाई वापस दो। अरे बीवी घर में नहीं घुसने देगी। अरे मेरी लंबाई वापस देके जाओ। ऐसे रहो तुम। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ऐसा मत करो। रामकृष्ण आज तुमने दरबार की प्रतिष्ठा बचाई है, मांगो क्या चाहिए। हाँ हाँ कहो, मैं संकोच कहो। अरे कुछ भी मूल्यवान वस्तु संपत्ति मांगो। महाराज आपके राज्य में जो सबसे बड़ा कोड़ा हो उससे मुझे 100 कोड़े मारे जाएं। 100 कोड़े मारे जाएं? पर ये तो दंड हुआ, इनाम नहीं। किंतु महाराज आज के दिन तो मेरे लिए ये दंड ही सबसे मूल्यवान पुरस्कार है। बड़ा विचित्र पुरस्कार मांग रहे हो।
मगर जब हमने कह दिया है कि जो मांगोगे वही मिलेगा, इसे वचन तो निभाना ही पड़ेगा। कोड़ा लाओ। महाराज, महाराज याद आया, मैंने भी किसी को वचन दिया है, मुझे भी निभाने दिया जाए। कैसा वचन, किसको दिया? महाराज, महल में अंदर घुसते समय मैंने आपके तीनों द्वारपालकों को वचन दिया था कि मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा मैं मुख्य द्वारपाल को और बाकी का आधा दूसरे द्वारपालों को दे दूंगा। क्या? पर ऐसा वचन तुमने क्यों दिया? इसके सिवा अंदर आने का कोई और रास्ता ही नहीं था महाराज। और यही नहीं महाराज, यदि मैंने अपना वचन नहीं निभाया तो मैं बाहर भी निकलने नहीं पाऊंगा। अब बाहर तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना महाराज। तीनों द्वारपालों को लाया जाए। रामकृष्ण के वचन के अनुसार इन तीनों द्वारपालों को 100 कोड़े बांटकर मारे जाएं। और रामकृष्ण, तुम्हें हमारे द्वारपालों को धन का लालच देकर अंदर आने के अपराध में राज दरबार का विदूषक नियुक्त किया जाता है। रामकृष्ण की जय। रामकृष्ण की जय। रामकृष्ण की जय। भारत की जय। भारत की जय। भारत की जय।